जय श्री कृष्णा। और कैसे हैं आप लोग? पहले से बढ़िया हैं? बिल्कुल, पहले से बढ़िया होते रहिए, खूब खाइए पिए, ठीक है, और बस योगा वगैरह करते रहिए। और योगा के साथ साथ केमिस्ट्री तो पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो केमिस्ट्री में आज हम लोग आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड के केस आ जाएं। तो देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये हीटिंग इफेक्ट। किसका हीटिंग इफेक्ट? कार्बोक्सिलिक एसिड के हीटिंग इफेक्ट। तो उसमें कई बार क्वेश्चन आ जाता है, तो चलिए आज आपको प्रसाद देते हैं, मतलब प्रसाद की तरह आपको ट्रिक सिखाते हैं, ठीक है ना। देखिए, हीटिंग इफेक्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखिए, इसमें आपको क्या ध्यान रखना है? ओम शांति, गाया तो प्रसाद आएगा। दोबारा से ध्यान दीजिएगा, ओम, ये ओम है, ओम, ठीक समझ रहे हो आप लोग? ओम शांति, सही लिख रहा हूं मैं? हिंदी देखनी पड़ेगी यार एक बार। ओम शांति, यहां पे ना लगता होगा, ठीक है। ओम शांति गाया तो प्रसाद आएगा। अब हिंदी की गलती मत ढूंढते रहना आप लोग यहां पे। मालूम पड़ा कि ये लिख दिया तो हिंदी की गलती ढूंढ रहे हो, कोई बात नहीं, लिख देंगे बाद में, फिलहाल समझो। देखो, ओम शांति गाया तो प्रसाद, प्रसाद आएगा, इसका मतलब क्या है वो समझिए। दिस इज द ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। इसका मतलब है मेलोनिक एसिड, ठीक है। इसका मतलब है सक्सेनिक एसिड, इसका मतलब है ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। इसका मतलब है एडिपिक एसिड, ठीक है। इसका मतलब है पाल्मेटिक एसिड, ठीक है, पाल्मेटिक एसिड। इसका मतलब है सुब्रिक एसिड, इसका मतलब है एजिलिक एसिड, और स्ट्रिक का मतलब है ओम शांति गाया तो प्रसाद मिलेगा, और नहीं गाया तो प्रसाद को छोड़ दीजिए, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो चलिए फिलहाल चलते हैं, आपको प्रसाद देते हैं, ठीक है। प्रसाद पा करके जाइएगा, खूब केमिस्ट्री पढ़ना है, ठीक है। देखिए, मान लीजिए दिस इज द ऑक्सैलिक एसिड, मानना तो नहीं है, फॉर्मूला यही होता है, आपको ध्यान रखना है। देखिए, ऑक्सैलिक एसिड को जब भी आप हीट करेंगे, वाटर निकालना है, डिहाइड्रेशन होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल्स निकाल दीजिएगा। वाटर मॉलिक्यूल्स निकालोगे तो इस तरीके की ये बनेगा, ठीक है, लेकिन ये स्टेबल नहीं होता है, ये CO है, ये इस तरीके से थोड़ा सा हल्का सा हीट करेंगे, टूट जाएगा। देखो, CO2 निकल गया, CO आ गया, तो आपके पास प्रोडक्ट बना CO2 और CO। देखिए, अब बात करते हैं मेलोनिक एसिड की। मेलोनिक एसिड जो है, मेलोनिक एसिड हमारे पास इस तरीके से है, दिस इज द मेलोनिक एसिड, ठीक है। मेलोनिक एसिड को थोड़ा सा हीट करेंगे, तो ध्यान रखिएगा इसमें से CO2 नहीं, वो H2O नहीं निकलता। जरूर नहीं कि हर समय हीट करने पे पानी निकालो आप लोग, कई बार CO2 भी तो निकलेगी ना, तो यहां से पानी नहीं निकलेगा, CO2 निकलेगी। तो देखो, CO2 निकाल दो, निकल गई CO2। अब क्या करो, इस H को इधर ट्रांसफर कर दो, तो क्या बन जाएगा? एसिटिक एसिड, ठीक है। खुद से कोई दूसरा मत लगाया ना,
पढ़ लो एक बार ध्यान से, है एसिटिक एसिड। तो देखिए तीसरे वाले का क्या है, सक्सेनिक एसिड। यहां पे दो कार्बन थे, यहां तीन कार्बन थे, अब चार कार्बन आ जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया सक्सेनिक एसिड। हीट करोगे, हीटिंग इफेक्ट चेक कर रहे हैं। हीट करोगे, वाटर निकाल दीजिए इसमें से। वाटर निकालने पे बन गया CH2CO, CH2CO। ठीक है, दिस इज द ऑक्सैलिक एसिड, दिस इज द मैलेनिक एसिड, दिस इज द सक्सेनिक एसिड। नोट करिए, ठीक है। अब कौन सा रह गया हमारे पास, सक्सेनिक एसिड के बाद रह गया ग्लूटामिक एसिड। तो देखिए ग्लूटामिक एसिड को अब यहां फाइव कार्बन होने वाले हैं, CH2, 1, 2, 3, 4, 5। ध्यान रखिएगा कई बार यहाँ एमीन लगा हुआ आ जाता है, ठीक है, ग्लूटे एमीन भी बोल देते हैं। तो एमीन के लिए एक वैलेंसी फ्री कर दोगे तो ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, यहाँ लगा दो। अगर नहीं लगा सकते हो तो यहाँ पे CH2 कर दो, बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, दिस इज नोन एज द ग्लूटामिक एसिड। अगर ग्लूटामिन एमीन लगाना है तो यहाँ NH2 कर दोगे एक वैलेंसी फ्री करके, बात समझ में आ रही है बिल्कुल। क्या करो, पानी निकाल दो, पानी निकाल दो। तो हमारे पास क्या बना, CH2, CH2, CO, CH, CO, O। अगर यहाँ NH2 लगाना है तो लगा सकते हो। ग्लूटा एमीन आए तो यहाँ NH2 लगा मिलेगा, एक वैलेंसी फ्री करनी है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को। फाइव कार्बन होंगे, देखो दो कार्बन से शुरू किया मैंने, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, अब मैं 6 पे जाने वाला हूँ, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, इस तरीके से ध्यान रखना है। ग्लूटामिक एसिड हो गया। अब बात करते हैं एडिपिक एसिड के। तो ध्यान रखिएगा, मैं एक नोट लिख रहा हूँ, एडिपिक एसिड एंड पाल्मिटिक एसिड, गिब्स पॉलीमेरिक फॉर्म आफ्टर लूजिंग CO2 मीन्स वन, नहीं नहीं सॉरी, इसमें थोड़ा सा मैंने यहां गलती कर दी, गिब्स ये वाला मुझे यहां लिखना था। गिब्स क्या, गिब्स वन कार्बन लेस प्रोडक्ट, मुझे ये लिखना था यहां पे, सही है। तो एडिपिक एसिड और पाल्मेटिक एसिड क्या करेंगे, वन कार्बन एटम का एक कार्बन एटम का कम प्रोडक्ट देंगे। जैसे मान लीजिए अगर हम एडिपिक एसिड देखें, ये एडिपिक एसिड है, अब कार्बन आप काउंट करो यहां पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक कम कर दो, एक H2 निकाल दो। तो ध्यान रखिएगा, वन कार्बन लेस प्रोडक्ट इन साइक्लिक फॉर्म, साइक्लिक फॉर्म और देगा। तो जब एक कार्बन, देखो ध्यान से सुनना, एक CO2 निकाल दो, एक H2O निकाल दो, तो अब क्या बचा, 5 मेंबर ड्रिंक, तो प्रोडक्ट आएगा 5 मेंबर ड्रिंक का। ठीक है जी, इस तरीके से ये हो गया हमारे पास एडिपिक एसिड। अब जरा पाल्मेटिक एसिड करते हैं ऊपर की तरफ। पाल्मेटिक एसिड में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हीटिंग पे ये निकल जाएगा सब कुछ। ठीक है, ये हीटिंग चल रहा है, काउंट करा देता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
एक CO2 निकाल दो, एक H2O निकाल दो और सिक्स मेंबर्ड रिंग बना दो। बताओ बात समझ में आई नहीं आई? आई नहीं आई? नहीं आई तो प्रसाद दे दिया जाएगा फटाफट से। फटाफट देखो यहाँ पे, क्लियर समझ में आ गया? नेक्स्ट देखो, अब हमारे पास रह गया ये, हमने इसका कर लिया 2 कार्बन एटम, 3 कार्बन एटम, 4 कार्बन एटम, 5 कार्बन एटम, 6 कार्बन एटम, 7 कार्बन एटम। अब बात करते हैं इनकी, तो इसके बारे में नोट लिखूंगा। सुब्रिक एसिड एंड एजिलिक एसिड गिव्स पॉलीमेरिक फॉर्म। बाई पॉलीमेरिक फॉर्म बाई डिहाइड्रेशन। ठीक है, याद रखने की जरूरत नहीं, बस पॉलीमेरिक फॉर्म दिखे। ये 8, ये 9 कार्बन, तो उसके हिसाब से आप लगा दो। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? देखो दो चीज़ें, आप एक बार जोश बढ़ाओ, मैं केमिस्ट्री बढ़ा दूंगा, नहीं बढ़ाओगे तो मैं भी धीमे धीमे चलूंगा। क्या कहते हो? ठीक है, कर तो रहा ही हूँ, थोड़ा जोश बढ़ाओ, थोड़ा बढ़ाते केमिस्ट्री का वॉल्यूम। फिजिकली बढ़ाऊंगा, ऑर्गेनिक तो बीच बीच में इसलिए हिंट के तौर पर आपको दे देता हूँ, ताकि प्रसाद विरसाद खाते रहो साथ के साथ। थोड़ा बड़ा गड़बड़ चल रहा है मामला, तो समझ में आ गया प्रसाद का मतलब। ओम शांति, ओम शांति गाया तो प्रसाद आएगा। ठीक है, अगर समझ में आया हो तो थोड़ा शेयर वेयर करूँ। मैंने कहा है आपसे, जो चैप्टर पढ़वाना हो वो पढ़ाएंगे। ठीक है, एक बार शेयर करो। लाइक की मैं नहीं कहता, लाइक की तब तक नहीं कहूँगा जब तक आपके अंदर से नहीं आएगा। आपके अंदर से आएगा तभी लाइक करो, नहीं तो मत करो। मैं मेहनत कर रहा था, कर रहा हूँ, करता रहूँगा। मेरा कॉम्पिटिशन किसी से नहीं है, मेरा कॉम्पिटिशन खुद से ही है। मैं हर बार, अभी ये बनाया मैंने, इसमें अभी और कोशिश करूँगा कि अच्छा दूँ। ठीक है ना, चलता रहेगा, आपका चल रहा है, मेरा भी चलता रहेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, करते हैं आगे।